नेक्स्ट ये है आपका एडजस्टमेंट्स फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको दो टर्म्स आएंगे, दैट इज बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब ये क्या होता है, आपको पता है डेटर्स मतलब होता है उधारी वाला कस्टमर, लेकिन अगर उस डेटर्स को मैंने बिल बना के दिया तो वो डेटर्स मेरा कन्वर्ट हो जाता है बिल्स रिसीवेबल में। इन दैट केस बिल्स रिसीवेबल भी मेरा उधारी वाला कस्टमर हो सकता है बट विथ बिल। इस बिल्स रिसीवेबल को हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इंक्लूड करते हैं। जैसा आपका ये बिल्स रिसीवेबल है वैसे ही उसका ऑपोजिट होता है बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स मतलब उधारी वाला सप्लायर, बिल्स पेएबल मतलब ये उधारी वाला सप्लायर ही है लेकिन विथ बिल। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल को लेकर यहाँ पर एडजस्टमेंट्स कैसे आते हैं, आइए देखते हैं उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट। यहां पर आपके ये दो पॉसिबिलिटी है बिल्स रिसीवेबल में भी ऑनर या डिसऑनर, यहां पर भी आपको बिल्स पेएबल में ऑनर या डिसऑनर। ऑनर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमको टाइम पे एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट हमें ये पैसा रिसीव हो चुका है, बिल्स रिसीवेबल का पेमेंट हो चुका है, इसका मतलब होता है ऑनर। डिसऑनर का मतलब ड्यू डेट के टाइम पे हमको पेमेंट नहीं मिला, तो अगर पेमेंट नहीं मिलता तो वो हो जाता है डिसऑनर। ठीक ऐसे ही आपका बिल्स पेएबल में है, अगर हमने ड्यू डेट पे पेमेंट किया तो बिल्स पेएबल ऑनर होता है, और अगर हमने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया तो बिल हमारा डिसऑनर हो जाता है। यही है ऑनर और डिसऑनर के बारे में। बिल्स रिसीवेबल में अगर आपका बिल ऑनर हो जाता है और अगर वो अनरिकॉर्डेड है तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, दो इफेक्ट सिंपल से। सबसे पहला तो अगर ये बिल आपका ऑनर हो चुका है तो ये बिल्स रिसीवेबल में से कम हो जाएगा, तो हमको लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। और सेकेंड इफेक्ट जो है ये आपका एड इन कैश, क्योंकि हमें इसका पेमेंट रिसीव होता है, हमें इसका अमाउंट रिसीव होता है तो हम इसको क्या करेंगे, कैश में ऐड कर देंगे। सबसे पहला इसको बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करो और दूसरा इसको कैश में ऐड करो, अगर आपका बिल ऑनर होता है तो। लेकिन अगर ये आपका बिल डिसऑनर हो जाता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। बिल ऑनर हो या डिसऑनर हो आपको बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करना है, ड्यू डेट के टाइम पे बिल्स रिसीवेबल जीरो हो जाता है। यहां पर इसको माइनस करने के बाद अब ये बिल्स रिसीवेबल जो आपका है वो डेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर उन्होंने कैश दिया तो हम कैश में ऐड करेंगे, अगर उन्होंने कैश नहीं दिया, बिल को डिसऑनर किया, तो ये आपका एड इन डेटर्स। ये इसके दो इफेक्ट, अगर आपका बिल ऑनर होता है मतलब हमें पेमेंट मिला तो लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एड इन कैश, अगर डिसऑनर होता है हमको पेमेंट नहीं मिला तो लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एड इन डेटर्स। दिस इज पार्ट ऑफ योर डेटर्स एडजस्टमेंट, ये डेटर्स एडजस्टमेंट का एक पार्ट है। अब हम देखते हैं बिल्स पेएबल से रिलेटेड एडजस्टमेंट। अगर बिल्स पेएबल आपका ऑनर होता है तो मतलब हमने इसका पेमेंट किया है, सबसे पहला इफेक्ट इसका कहां पर जाएगा, ये आपका बिल्स पेएबल में से लेस हो जाएगा, तो लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल। सेकेंड इफेक्ट इसका पेमेंट हमने किया है, हमारे कैश में से ये अमाउंट कम हो जाएगा, तो सेकेंड इफेक्ट लेस फ्रॉम कैश। ये है आपके दो इफेक्ट, सबसे पहला आपको बिल्स पेएबल में से माइनस करना है, दूसरा क्योंकि हमारा कैश गया है तो आपको कैश में से भी लेस करना है इसको। तो ये इसके सिंपल से दो इफेक्ट। अब अगर ये बिल डिसऑनर हो जाता है, बिल्स पेएबल अगर डिसऑनर हो जाता है तो आपके दो इफेक्ट्स क्या होंगे,
सबसे पहला इफेक्ट सेम है, लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, आपका बिल्स पेबल में से लेस हो जाएगा सबसे पहला इफेक्ट, वो तो एज इट इज रहेगा। सेकेंड इफेक्ट जो है ये आपका क्रेडिटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यू नीड टू एड इन क्रेडिटर्स। सिंपल सा इफेक्ट है, आपको इसका कंसेप्ट पहले समझ में आना चाहिए। बिल्स पेबल है जो क्रेडिटर्स में से कन्वर्ट होकर ऑलरेडी यहाँ पर पोस्ट किया हुआ रहेगा, अगर वो बिल्स पेबल ऑनर हो जाता है मतलब हमने इसका पेमेंट किया, तो सबसे पहले बिल्स पेबल में से माइनस करो। सेकेंड इफेक्ट, इसको कैश में से भी माइनस करो क्योंकि उतना आपका कैश जा रहा है। नेक्स्ट, अगर ये बिल्स पेबल डिसऑनर हो जाता है तो ये वापस से क्रेडिटर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको बिल्स पेबल में से माइनस करना है और क्रेडिटर्स में ऐड करना है। ये था आपका एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंटरेस्ट वाले एडजस्टमेंट्स, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसके इफेक्ट्स कहां पर जाते हैं। ये आपका एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है? पार्टनर्स जब अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उनके एग्रीमेंट में, दैट इज इन पार्टनरशिप डीड, ये मेंशन किया हुआ होता है कि इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, दैट इज परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, वो परसेंटेज ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया होता है। कुछ लोग इसको 0% पे लेते हैं, कुछ लोग 5%, 10% एज डिस्क्राइब्ड एंड डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स। हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके एडजस्टमेंट आता है तो उसके दो इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहला चीज जो हमको ध्यान में रखना है, ये जो इंटरेस्ट का रेट होगा दैट इज ऑन कैपिटल, तो जो कैपिटल अमाउंट होगा उस पर हमें ये परसेंटेज कैलकुलेट करना है। वी ओनली नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट फ्रॉम द कैपिटल अमाउंट, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कैपिटल में से कैलकुलेट करना है। अब उस अमाउंट का दो इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहला इफेक्ट ये पार्टनर्स के लिए इनकम होता है, तो ये पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ये पार्टनर्स के लिए इनकम होता है। याद रहे, पार्टनर्स अकाउंट मतलब या तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो सकता है या तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट हो सकता है, जो भी अकाउंट होगा उसके क्रेडिट साइड पे जाएगा। ये अमाउंट आपको कैपिटल में से सिर्फ कैलकुलेट करना है, उस अमाउंट का सबसे पहला इफेक्ट पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेकेंड इफेक्ट जो इसका है वो आपके फर्म के लिए लॉस होता है, बिजनेस के लिए ये लॉस होता है, काइंड ऑफ एक्सपेंस होता है, तो इस एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे। पार्टनर्स के लिए इनकम, बिजनेस के लिए एक्सपेंस। पार्टनर्स का अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, बिजनेस का अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जिसके लिए इनकम है उसके क्रेडिट साइड पे और जिसके लिए एक्सपेंस है उसके डेबिट साइड पे। सिंपल, पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ऑपोजिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का मतलब पार्टनर्स ने अपने पर्सनल पॉकेट में से अमाउंट निकाल के अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ड्रॉइंग्स मतलब इसका ऑपोजिट होता है, वो बिजनेस में से निकाल के, बिजनेस में से अमाउंट विदड्रॉ करके अपने पर्सनल यूज के लिए रखते हैं। तो ड्रॉइंग्स इज ऑपोजिट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट का पार्ट भी उसका ऑपोजिट ही होता है। जहां पर कैपिटल पे इंटरेस्ट बिजनेस पार्टनर को देता है, वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर बिजनेस को देता है, तो यहां पर ये पार्टनर के लिए एक्सपेंस होगा और बिजनेस के लिए इनकम होता है, तो इसके दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आइए देखते हैं कुछ एरर्स रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट्स को। ये एरर्स रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट्स क्या होता है? एरर मतलब हमने कोई मिस्टेक किया होगा, जर्नल एंट्रीज पास करने के वक्त अगर कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना होता है। फाइनल अकाउंट्स में उस रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरह से।
इस एरर्स रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट में एक सिंपल सा रूल है, आपने एक अकाउंट को किसी गलत जगह पे पोस्ट किया है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका उसको उस गलत जगह से निकालो और उसकी सही जगह पे पोस्ट करो। मतलब सबसे पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम रॉन्ग अकाउंट, जो गलत अकाउंट में जाके अगर ये पोस्ट हुआ रहेगा तो उसमें से आप पहले इसको लेस करो। सेकेंड इफेक्ट एड इन करेक्ट अकाउंट, रेक्टिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है कि आपको गलत अकाउंट से इसको निकालना है और सही अकाउंट में इसको पोस्ट करना है, तो रॉन्ग एंट्री में से माइनस करो और करेक्ट एंट्री में उसको ऐड करो। मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, उस एग्जांपल से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इसको हम लेस और ऐड कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको नॉर्मली बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। आप अगर अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, तो आपको ये एडजस्टमेंट्स नज़र आएंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ये है कुछ एग्जांपल्स एरर्स रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट्स के। सबसे पहला, वेजेस इंक्लूड वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अगर मशीनरी को मैं परचेस करता हूँ तो जब तक वो मशीनरी मेरा वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाता, तब तक उस मशीनरी पे किया गया हर वो एक्सपेंस मेरा कैपिटल एक्सपेंस होता है। मतलब वो हर एक एक्सपेंस मेरा एक्सपेंस नहीं होता, वो मशीनरी के कॉस्ट में ऐड हो जाता है, तो वो एक्सपेंस मेरा असेट्स होता है। यहाँ पर अगर मैं वेजेस की बात करूँ तो वेजेस मतलब ये नॉर्मल वर्कर्स का पेमेंट है जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। अब इस नॉर्मल वर्कर्स के पेमेंट को मैं गुड्स के लिए वेजेस पे करता हूँ, लेकिन यहाँ पर उन्हीं वर्कर्स ने मशीनरी को इंस्टॉलेशन करने के लिए हेल्प किया, तो मैंने उनको उसका भी वेजेस पे किया है। यहाँ पर मशीनरी का इंस्टॉलेशन का वेजेस पे करने पर ये वेजेस जो है वो कैपिटलाइज एक्सपेंस हो जाता है, ये अब रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है। तो इस वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में ना होते हुए मशीनरी के कॉस्ट में इंक्लूड करना होता है। तो इसका दो इफेक्ट हम कैसे पास करेंगे? सबसे पहला तो ये वेजेस में गलती से इंक्लूड किया हुआ है, तो हम इसको वेजेस में से माइनस करते हैं, दैट इज लेस फ्रॉम वेजेस। और सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि ये मशीनरी में जाता है, मशीनरी से रिलेटेड है, तो आपको मशीनरी में ऐड करना है। ये उसके दो इफेक्ट है, पहला आपको वेजेस में से लेस करना है, दूसरा आपको मशीनरी में ऐड करना है। अगर आपको डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट इस एडजस्टमेंट से पहले आता है तो उसको आपको पहले सॉल्व नहीं करना है। मशीनरी का एक्चुअल वैल्यू तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इस अमाउंट को ऐड नहीं कर लेते। इसको ऐड करने के बाद मशीनरी का एक्चुअल वैल्यू मिलेगा जिस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो ये है आपका वेजेस इंक्लूड वाला पार्ट। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, परचेजेस इंक्लूड्स परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर मेरा असेट होता है, और परचेजेस, अगर आपको याद होगा तो मेरे सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, परचेजेस इज ऑल अबाउट परचेज ऑफ गुड्स। अगर मैंने गुड्स को परचेज किया है तो वो मेरा परचेजेस होता है, और ये जो परचेजेस है ये मेरा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। वेरस अगर मैं फर्नीचर को परचेज करता हूँ तो ये मेरा असेट होता है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर गलती क्या हुई है, असेट जो है वो गलती से ट्रेडिंग अकाउंट वाले एक्सपेंस के अंदर ऐड हो चुका है, तो हमें इसको रेक्टिफाई करना है। अगेन द सेम थिंग, रॉन्ग अकाउंट में से माइनस करना है और करेक्ट अकाउंट में इसको प्लस करना है। ये परचेजेस में गलती से चला गया, तो हम पहले इसको परचेजेस में से माइनस करते हैं, दैट इज लेस फ्रॉम परचेजेस। इसको परचेजेस में से पहले माइनस करो। सेकंड इफेक्ट, अब ये फर्नीचर है, अगर ऑलरेडी असेट्स में फर्नीचर होगा तो आप उसमें ऐड करो, या फिर इसको डायरेक्टली असेट्स में जाके पोस्ट करो। तो मैं यहाँ पे दो चीज लिख देता हूँ,
एड इन फर्नीचर, या फिर इसका सेकंड इफेक्ट अगर फर्नीचर नहीं दिया होगा तो आप इसको नॉर्मली असेट्स में जाके पोस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है रेंट इंक्लूड्स रेंट पेड फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस। रेंट अगर आपको पता होगा तो ये सिर्फ रेंट अगर दिया होगा तो ये ऑफिस रेंट होता है, इसको अज्यूम करते हैं हम एज एन ऑफिस रेंट। तो इसका जो पोस्टिंग होता है ट्रायल बैलेंस में अगर ये दिया होगा तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ऑफिस वाला, उसके अंदर फैक्ट्री वाला एक्सपेंस इंक्लूड किया गया है। फैक्ट्री वाला जो भी एक्सपेंस होगा उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगेन द सेम थिंग, आपको रॉन्ग अकाउंट में से माइनस करना है और करेक्ट अकाउंट में जाके इसको प्लस करना है। तो इसका दो इफेक्ट, सबसे पहले ये रेंट के अंदर इंक्लूड है तो लेस फ्रॉम रेंट, रेंट में से माइनस कर दो। सेकेंड इफेक्ट, ये फैक्ट्री वाला पार्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट कर दो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ये आपका एक्सपेंस है डेबिट साइड पे जाएगा। तो ये था इसका एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। ये सब एरर्स वाले पार्ट है, एरर्स है उसको हमने रेक्टिफाई किया। एक और एग्जांपल देखते हैं जो रेयरली आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं या रेयरली आपको कहीं बुक्स में मिल सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा चलता है। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर वॉज रॉन्गली डेबिटेड इन डेटर्स अकाउंट। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर वाला एडजस्टमेंट हमने अभी देखा इससे पहले। अगर पार्टनर्स गुड्स को विड्रॉ करते हैं तो एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाता है, आपका गुड्स का जाने का एंट्री होता है, और दूसरा ये पार्टनर्स के डेबिट साइड पे जाता है तो इट इज डेबिटेड इन पार्टनर्स अकाउंट। लेकिन यहाँ पर ये गलती से डेबिट हुआ है डेटर्स अकाउंट में, तो हमें यहाँ पर दो इफेक्ट क्या पास करना है। सबसे पहला चीज, डेटर्स में गलती से गया है तो हमको डेटर्स में से निकालना होगा और उसकी सही जगह पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो इसके दो इफेक्ट है, पहला लेस फ्रॉम डेटर्स और दूसरा पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट साइड। ये है इसके दो इफेक्ट, यही नॉर्मल से इफेक्ट आपको पास करना है। अगेन ये डेटर्स वाला एडजस्टमेंट है क्योंकि डेटर्स में हमने कुछ प्लस माइनस किया तो आपको आरडीडी रहेगा या डाउटफुल डेब्ट्स रहेगा या जो भी एडजस्टमेंट्स रहेगा, आपको उन सारे एडजस्टमेंट से पहले ये वाला एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है। मेक श्योर बैड डेब्ट्स वाला जो भी एडजस्टमेंट होगा वो सब लास्ट में सॉल्व होता है और ये सारे एडजस्टमेंट्स पहले सॉल्व होते हैं। अगेन गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर वॉज रॉन्गली डेबिटेड इन डेटर्स अकाउंट, रॉन्गली एंटर्ड हुआ था तो डेटर्स में से माइनस किया और पार्टनर्स के डेबिट साइड पे। ये था एरर्स रेक्टिफाइंग एंट्री। इसके अलावा एक और चीज आ सकता है, मैं आपको और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये एक एडजस्टमेंट है। यहाँ पर आपने देखा रेंट जहाँ पर इंक्लूड होता है फैक्ट्री वाला पार्ट, यहाँ पर कभी कभार पार्टनर्स का पर्सनल हाउस रेंट भी इंक्लूड होता है। तो उस हाउस रेंट को हम क्या करेंगे, रेंट में से तो माइनस कर देंगे। सेकेंड इफेक्ट, ये जो ट्रेडिंग में गया है उसके जगह पे ये पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। तो ये इसका सिस्टम है पूरा। दिस इज योर एरर्स रेक्टिफाइंग एंट्री, एरर्स रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट्स। अब मैं आपको डेटर्स से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स दिखाऊंगा। इस एडजस्टमेंट्स में ऑलरेडी आपने कुछ एडजस्टमेंट्स पहले ही सॉल्व कर दिए हैं, जैसे कि आपका अनरिकॉर्डेड सेल्स, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला पार्ट, वेयरस बिल्स रिसीवेबल वाज दिस ऑनर, उसके बाद आपका ये एरर्स वाला पार्ट, उसमें भी डेटर्स वाला अमाउंट वाला जितना भी एडजस्टमेंट्स है वो हमने पहले ही सॉल्व किया हुआ है। अब उसके बाद एक्स्ट्रा हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, आइए देखते हैं डेटर्स से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स। इस एडजस्टमेंट में मैं आपको दो इफेक्ट डायग्राम ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा। यहां पर सिंपल से दो इफेक्ट कैसे जाएंगे, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है डेबिट साइड पे और एक आपका असेट्स में। बैलेंस शीट असेट साइड में सबसे पहले आपको जो लिखना है दैट इज योर डेटर्स, जो आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे डेटर्स लिख देता हूँ। डेटर्स से रिलेटेड कुछ प्रीवियसली सॉल्व एडजस्टमेंट्स वो हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे आपका अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स में आपने एक सेल्स में ऐड किया, दूसरा आपने डेटर्स में ऐड किया, तो वो डेटर्स में कुछ इस तरह से ऐड होता है।
अनरिकॉर्डेड सेल। फिर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला पार्ट जहाँ पर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होता है वो भी यहाँ पर ऐड होता है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। इन दोनों को ऐड करने के बाद ये अमाउंट वाले एडजस्टमेंट है। इसके अलावा आपको नॉर्मली क्या आएगा, एक बैड डेब्ट्स आएगा, आपको आएगा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, एंड आपको आएगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये तीन ऐसे एडजस्टमेंट है जो आपको इन सारे एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने के बाद सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट्स का ट्रिक कुछ ऐसा है, डेटर्स वाले एडजस्टमेंट में सबसे पहले आपको अमाउंट्स वाले एडजस्टमेंट सॉल्व करने हैं और उसके बाद आपको परसेंटेज वाले एडजस्टमेंट सॉल्व करने हैं। डेटर्स वाले एडजस्टमेंट में एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। अमाउंट वाले एडजस्टमेंट को आप कहीं पर भी सॉल्व कर सकते हो कभी भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज वाले एडजस्टमेंट्स को हमेशा अमाउंट वाले एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने के बाद ही आपको करना है। यहाँ पर मैंने आपको ये अमाउंट वाले एडजस्टमेंट्स थे ये मैंने यहाँ पर लिखा। इसके अलावा जो कन्फर्म अमाउंट वाला एडजस्टमेंट है दैट इज योर न्यू बैड डेब्ट, और एल्स आई कैन से इट एज फर्दर बैड डेब्ट। ये वो बैड डेब्ट्स है जो मेरे फाइनल अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद मुझे मिला है, या फिर मेरे फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करने के बाद मुझे ये पता चला है कि ये मेरा बैड डेब्ट्स है। एक कन्फर्म अमाउंट मुझे मिलता है, उस अमाउंट को मैं सबसे पहले यहाँ से माइनस करता हूँ। दैट डेटर्स आर माई बैड डेटर्स, सो इट इज़ नोन एज माई बैड डेब्ट्स। इसका पैसा मुझे रिकवर होने वाला नहीं है, तो इसको मैं डेटर्स में से माइनस करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेस न्यू बैड डेब्ट्स। न्यू बैड डेब्ट्स को लेस करने के बाद आपका अमाउंट वाले तकरीबन सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इन सब का आपको कैलकुलेशन करना होगा। इन सब के कैलकुलेशन के बाद आपको यहाँ पर एक अमाउंट आएगा, उस अमाउंट में से आपको न्यू आरडीडी माइनस करना है। ये वो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है जो आपको एडजस्टमेंट में मिलता है। एडजस्टमेंट में जो आपको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मिला दैट इज नोन एज न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी मतलब ये आपका डाउटफुल डेब्ट्स है, हमें डाउट है कि हमें शायद इतना पैसे ना मिले, तो हम क्या करते हैं उसको डेटर्स में से माइनस कर देते हैं। लेकिन आरडीडी इज ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज, ये परसेंटेज फॉर्म में आपको मिलेगा। अगर आपको अमाउंट्स के फॉर्म में मिला तो इट्स ओके, आप डायरेक्टली लेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपको परसेंटेज फॉर्म में मिला तो सबसे पहले आपको इन सब का कैलकुलेशन करना है। आपने डेटर्स लिखा, उसमें से आप अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड करो, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर को ऐड करो, न्यू बैड डेब्ट्स को माइनस करो। इन सब का कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पे आपको न्यू आरडीडी का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब इस न्यू आरडीडी का परसेंटेज कैलकुलेट करने पे आपको जो भी अमाउंट आएगा उसको आप उसमें से माइनस करो, और माइनस करने के बाद आपको यहाँ पर एक और अमाउंट आएगा, उस अमाउंट का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, आपके पास यहाँ पर तीन नए ऐसे एडजस्टमेंट्स है, एक है आपका न्यू बैड डेब्ट्स, दूसरा आपका न्यू आरडीडी, एंड नेक्स्ट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये तीनों एडजस्टमेंट का इफेक्ट सेम है, पहला इफेक्ट आपको डेटर्स में से माइनस करना है, दूसरा इफेक्ट आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे पोस्ट करना है। इसको डेबिट साइड पे हम कैसे पोस्ट करेंगे, मैं ऑलरेडी है ना कंपलसरी पोस्टिंग में लिखता हूँ टू बैड डेब्ट्स, उसके नीचे एड न्यू बैड डेब्ट्स, उसके बाद एड न्यू आरडीडी एंड लेस ओल्ड आरडीडी। ये ऑलरेडी मेरे कंपलसरी पोस्टिंग का पार्ट होता है। बैड डेब्ट्स जो मुझे ट्रायल बैलेंस में मिला होगा मुझे उसको यहाँ पर लिखना है, न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी ये दोनों भी यहाँ से आपको मिलेगा। ये हमेशा आपको एडजस्टमेंट्स में ही मिलेगा। एडजस्टमेंट्स में आपको सॉल्व करना है इसके सिंपल से दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट आपको डेटर्स में से माइनस करना है, सेकेंड इफेक्ट आपको यहाँ पर बैड डेब्ट्स में प्लस करना है। नेक्स्ट ओल्ड आरडीडी की बात करूँ तो ये भी आपको ट्रायल बैलेंस में ही मिलेगा, लेकिन ये आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर का आरडीडी है जो ये ईयर में हमने कंटिन्यू किया है, तो उसको हम करंट ईयर के बैड डेब्ट्स से माइनस करते हैं। ओल्ड आरडीडी ये आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे मिलेगा। अगेन बैड डेब्ट्स एंड ओल्ड आरडीडी इज द पार्ट ऑफ योर ट्रायल बैलेंस, न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी इज द पार्ट ऑफ योर एडजस्टमेंट्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कुछ अमाउंट्स के साथ, अमाउंट्स में हम अज्यूम करते हैं डेटर्स का। जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर मैं डेटर्स का अमाउंट लूँ
डेटर्स का अमाउंट मुझे यहाँ पर दिया है 50,000, मैं सिर्फ एक अजम्पशन ले रहा हूँ, 50,000 है। अनरिकॉर्डेड सेल्स का अमाउंट 5,000, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का अमाउंट 6,000 और न्यू बैड डेट्स का अमाउंट मुझे एडजस्टमेंट में जो मिलेगा उसका अमाउंट 1,000। क्योंकि मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो मैं इसको ब्रैकेट में पोस्ट करूँगा, ये ब्रैकेट मतलब मेरा माइनस का साइन है, इसको मुझे माइनस करना है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, 50,000 प्लस 5,000 55,000 प्लस 6,000 61,000, 61,000 में से ये 1,000 माइनस होता है तो मेरा यहाँ पर बैलेंस आता है 60,000। 60,000 मेरा बैलेंस आया इसका। अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर न्यू आरडीडी का मुझे परसेंटेज बोला गया 5% जो कि यूजुअली यूज होता है आपके क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5% मुझे 60,000 का निकालना है, ना कि इस 50,000 या 1,000 का, 5% मुझे 60,000 का कैलकुलेट करना है। तो 60,000 का 5% हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से एक जीरो कट करेंगे तो 10% आएगा, 10 का हाफ करेंगे 5, तो 6,000 का हाफ होता है 3,000, तो ये आपका आरडीडी आएगा 3,000। अगेन ये आपका माइनस में है तो मैं इसको ब्रैकेट में डालता। अब मुझे क्या करना है, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करके मेरा अमाउंट आएगा 57,000। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का परसेंटेज आ गया यहाँ पर। डिस्काउंट के लिए मुझे परसेंटेज दिया गया है 2%, अगर 2% मुझे डिस्काउंट निकालना है तो 2% मैं किस पे निकालूंगा, इस 57,000 पे निकालूंगा, मुझे इस 57,000 का 2% कैलकुलेट करना है। अगर हम एक जीरो कट करेंगे तो 10% होता है, अगर दोनों जीरो कट करेंगे पीछे से तो ये 1%, तो 570 मेरा 1% होता है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो आपका आंसर आएगा कुछ 1140। ये आपको यहाँ से माइनस करना है और इसके बाद जो भी अमाउंट आएगा दैट विल बी योर फाइनल डेटर्स अमाउंट जो आपके बैलेंस शीट में पोस्ट होता है आउटर कॉलम में। 57,000 माइनस 1140, इसको हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 55,860। अब हमें सेकेंड इफेक्ट पास करना है, सेकेंड इफेक्ट पास किसका करना है, न्यू बैड डेट्स का, न्यू आरडीडी का एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। 1000 एंड 3000 का सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है न्यू बैड डेट्स, तो उसके सामने जाएगा 1000 इनर कॉलम में, 3000 न्यू आरडीडी यहाँ पर जाएगा 3000। डिस्काउंट ऑन डेटर्स की बात करें तो इसको हमें अलग से पोस्ट करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड ही है, मैं उसको यहाँ पर लिखता हूँ 2 डिस्काउंट ऑन डेटर्स और उसका जो अमाउंट आया वो। ऐसे मुझे इसका पोस्टिंग करना है, ऐसे ये एडजस्टमेंट्स है, यहाँ पर आपके 3 एडजस्टमेंट्स है, मैं आपको वापस से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डेटर्स के ये अमाउंट वाले एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने हैं, अमाउंट्स वाले एडजस्टमेंट्स के बाद ये न्यू बैड डेट्स वाला पार्ट है, इन सब एडजस्टमेंट्स, ये क्योंकि कन्फर्म अमाउंट वाले एडजस्टमेंट्स है, इन सबको आप पहले कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप उस पर आरडीडी कैलकुलेट करोगे। आरडीडी मतलब आपका डाउटफुल डेट्स, आपने बैड डेट्स तो निकाल दिया लेकिन अभी भी डाउटफुल डेट्स बाकी है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर ये डिस्काउंट वाला पार्ट हम आरडीडी से पहले क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, उसका रीज़न है आरडीडी मतलब ये आपका फिर भी डाउटफुल डेट्स है, आपको अभी भी डाउट है कि सामने वाला इंसान आपको पैसा देगा या नहीं देगा, लेकिन डिस्काउंट हम उन्हीं डेटर्स को देते हैं विच आर गुड, डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड टू गुड डेटर्स। जब तक मैं ये डाउटफुल डेटर्स को इसमें से माइनस नहीं करता तब तक मुझे गुड डेटर्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका ये डाउटफुल डेट्स को माइनस करने के बाद ये जो 57,000 है दीज आर नोन एज योर गुड डेटर्स, एंड गुड डेटर्स को मैं डिस्काउंट प्रोवाइड करता हूँ, इनको मैं डिस्काउंट देता हूँ, तो ये उनको मैंने डिस्काउंट दिया और ये मेरा फाइनल डेटर्स का अमाउंट जो मेरे बैलेंस शीट में जाता है असेट साइड पे, फाइनली ये पोस्ट होता है। ये पूरा एडजस्टमेंट डेटर्स का एडजस्टमेंट अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा है, इतने सारे अमाउंट है इसमें सॉल्व करने के लिए, तो आप इसको बैलेंस शीट में सॉल्व ना करते हुए इसको एक पीछे वर्किंग नोट में सॉल्व कर सकते हो।
ये पूरा एडजस्टमेंट आप वर्किंग नोट में बता सकते हो, और ये जो फाइनल अमाउंट है सिर्फ इसको आप बैलेंस शीट के असेट साइड पे जाके डेटर्स लिख के इस अमाउंट को आप पोस्ट कर सकते हो। ब्रैकेट में आप वर्किंग नोट नंबर दे सकते हो जो आपने इसको सॉल्व करके बताया होगा। ये इंडिकेट करेगा आपके एग्जामिनर्स को, आपके पेपर चेकर्स को, कि आपने ये पूरा सम सॉल्व किया है, ये पूरा कैलकुलेशन आपने खुद से किया है। रही बात इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, ये मेरा कंपल्सरी पोस्टिंग का एक पार्ट है। अगर आपको इसको याद करना है तो ये बहुत ही सिंपल पार्ट में जाता है। मैंने इसका एक शॉर्टकट कीवर्ड बना कर रखा है, दैट इज BNNO, दैट इज नोन एज बन्नो। मैं इसको बन्नो करके प्रोनाउंस करता हूँ, लेकिन आपको सिंपल वे में याद रखना है बैड डेब्ट्स और ओल्ड RDD ट्रायल बैलेंस का पार्ट है, ये दोनों एडजस्टमेंट्स के पार्ट है। अब आपको एक और एडजस्टमेंट से जो आपको थोड़ा बहुत रिलेटेड है इससे, जैसे आपने यहाँ पर डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकाला, वैसे ही एक और एडजस्टमेंट है, दैट इज योर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये सिंगल एडजस्टमेंट से, इसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना, सिंपल सा पार्ट है। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स सिंपल वे, डिस्काउंट है तो आपको माइनस करना है, क्रेडिटर्स ने आपको डिस्काउंट अलाउ किया है तो उतना आपको पेमेंट कम करना है, उतना आपका क्रेडिटर्स का जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाता है। तो इसका सबसे पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, आपको इसको क्रेडिटर्स में से लेस करना है। सेकेंड, ये आपके लिए एक इनकम हो जाता है, तो ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये था आपका डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का इफेक्ट, आपको पहले क्रेडिटर्स में से लेस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पोस्ट करना है। अगेन, ये डेटर्स का एडजस्टमेंट था, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वैसे ही ये एडजस्टमेंट है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी आपको परसेंटेज में मिलेगा, लेकिन इसमें भी आपको सबसे पहले अनरिकॉर्डेड परचेजेस एंड डिसऑनर ऑफ बिल्स पेएबल, आपको पहले ये एडजस्टमेंट सॉल्व करने हैं, और उसके बाद उसका जो अमाउंट आएगा, जैसे हमने यहाँ पर डेटर्स का निकाला, ये अमाउंट कैलकुलेट होने के बाद हमने उस पर डिस्काउंट कैलकुलेशन किया, ठीक वैसे ही क्रेडिटर्स का भी आपको सेम तरीके से सॉल्व करना है। आपको पहले वो अनरिकॉर्डेड परचेजेस, बाद में डिसऑनर ऑफ बिल्स पेएबल, आपको पहले ये एडजस्टमेंट सॉल्व करने हैं, उसका जो टोटल अमाउंट आएगा उस टोटल अमाउंट का आपको परसेंटेज दिया जाएगा डिस्काउंट का, उस पर आप डिस्काउंट कैलकुलेट कीजिए और उसमें से माइनस कीजिए एंड सेकेंड इफेक्ट डालिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर। ये था आपका लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट। आई होप आपको ये लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट समझ में आ गए हो। इस एडजस्टमेंट्स को मैंने आपको कंसेप्चुअली बताया है। अगर आपका ये एडजस्टमेंट्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप इसको कभी भी कहीं पर भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। तो अगर इसके अलावा आपको और कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो अपडेट्स।